बड़वानी सहकारिता बैंक शाखा पलसूद और बड़वानी में 2018-19 में करीब 7,58,000 के गबन के मामले में शाखा प्रबंधक मोहन पाटीदार द्वारा की गई शिकायत के बाद पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ धारा 420 सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर 2 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं पुलिस 3 अन्य की तलाश में जुट गई है। पुलिस के अनुसार सहकारी बैंक मर्यादित खरगोन की शाखा पलसूद और बड़वानी दोनों ब्रांच के मैनेजर केसियर सहित 3 अन्य लोगों में धोखाधड़ी कर शाखा से रुपये गबन कर लिए थे, जिसकी शिकायत के बाद पुलिस ने कार्यवाही कर सहायक सतीश शर्मा और मैनेजर पंडित गवले को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल कार्यवाही की जा रही है। बड़वानी से अतुल कुमाउत की रिपोर्ट। जी हाँ, ये सहकारिता बैंक का गबन का मामला है। इसमें जो शाखा प्रबंधक है मोहन पाटीदार, उन्होंने अपने बैंक में जो घोटाला हुआ था उसकी जांच करके और एफआईआर के लिए आवेदन दिया था। उसमें 5 आरोपी हैं, तो 5 आरोपी हमारे अंडरकवर हैं और उनसे पूछताछ चल रही है और जल्दी ही मामले का खुलासा हो जाएगा। सर, कितने का गबन था और कौन सा था? लगभग 8 लाख का गबन था और ये पलसूद और बड़वानी दो शाखा का मामला है। ये 2018 से 2019 के बीच का 1 साल का मामला है, जिसमें ये 5 लोगों ने इस अवधि के दौरान लगभग 8 लाख का गबन किया। सर, ये 5 लोग सोसाइटी में पदस्थ हैं, कौन कौन से पदस्थ हैं? ये 5 लोग जो हैं मैनेजर, कैशियर और बाबू हैं वहाँ पर जो पदस्थ थे और अपने पद का दुरुपयोग करके उन्होंने गबन किया है। 5 लोग हिरासत में? जी, 5 लोग हिरासत में। अभी 3 हैं और 2 को और ढूंढ रहे हैं। रिकवर कुछ हुआ? नहीं, अभी रिकवर भी हो रहा है, जल्दी हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।